नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे राजनेता के बारे में जिसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है। देश की सियासत से लेकर बिहार की सियासत में जब भी कभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का नाम लिया जाएगा तो उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम जरूर लिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव वह नाम है जिसे सुनने के बाद एक बड़े तबके के चेहरे पर खुशी अनायास ही आ जाती है। इसके कई कारण हैं जिसे हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल बिहार में लालू प्रसाद यादव को गरीबों और पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव ने जब से ओबीसी आरक्षण में अपनी सहमति दिखाई उसके बाद से बिहार के साथ साथ देश के सियासत में एक चेहरा बनकर उभरे। लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला का मामला चलता रहा लेकिन वो देश के साथ ही बिहार की सियासत के केंद्र में भी बने रहे। लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना बिहार की सियासत में बात करना नाइंसाफी होगा। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन के कई ऐसे कार्य हैं जो कि सराहनीय हैं लेकिन उनकी वाक्पटुता सबसे शानदार। लोगों से बात करना, उससे सीधे तौर पर कनेक्ट होना लालू प्रसाद यादव को भली भांति आता था। वे हमेशा आखिरी व्यक्ति के पास चलकर जाते थे। ऐसा लगता था जैसे उसी के बीच का कोई व्यक्ति है जो संसद भवन में पहुंच गया है। लालू यादव का आम लोगों से संवाद और उनका लहजा उन्हें लालू यादव को पॉपुलर बनाता है। लालू यादव की जुबानी रैलियों में एक बड़ा तबका उन्हें सिर्फ सुनने के लिए जाता था। उनकी वाक्पटुता का वह कायल था। लालू यादव बिहार की सियासत में रहे हों या फिर देश की सियासत में, उनके कार्य अनोखे रहे हैं। चाहे वह चरवाहा विद्यालय खोलने का फैसला रहा हो या फिर रेल मंत्री रहते हुए गरीब रथ चलाने का फैसला, लालू प्रसाद का हर एक फैसला आम लोगों के बीच में एक दमदार नेता के रूप में उन्हें प्रस्तुत कर रहा था। लालू यादव गरीबों के बीच में उस समय और भी पॉपुलर हो गए जब उन्होंने कम पैसे में अच्छी ट्रेनों में सफ़र करने की बात कही, जैसे कि गरीब रथ में सफ़र करने का फैसला रहा। लालू यादव ने ट्रेनों में कुल्हड़ चाय की चलन की शुरुआत की और लोगों के बीच में वे चर्चा के केंद्र में आ गए। लालू यादव का यह फैसला फिर से उन्हें गांव की ओर जोड़ता है और उन्हें मिट्टी में रहने का, एक तरह से मिट्टी में जुड़कर रहने का जो है उनका और आम लोगों के बीच में बेहतर संबंध को दर्शाता है। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक कद का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं। लालू प्रसाद अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा गरीबों और दबे कुचलों की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने हमेशा आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने की बात कही। कहते हैं कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार सियासत में लालू प्रसाद यादव ही थे जिन्होंने सीधे तौर पर अगड़ों से लोहा लिया। बता दें कि उस समय लालू यादव ने कई ऐसे विधायक बनाए जिनका की राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, उसके बाद भी उन्हें सदन का रास्ता दिखाया, सदन तक पहुंचाया। अगर लालू यादव के राजनीतिक करियर को देखेंगे तो साल 2005 के बाद से उनका बुरा दौर शुरू हुआ लेकिन उस दौरान भी लालू यादव ने गरीबों और पिछड़ों का साथ नहीं छोड़ा। यही वो कारण है कि आज भी लालू यादव गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। साल 2022 में लालू यादव की पार्टी ने MLC चुनाव में 3 प्रत्याशियों का नाम दिया जिसमें मुन्नी देवी, मोहम्मद कारी साहेब और अशोक पांडे का नाम है। इन तीनों व्यक्तियों का अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो पता चलेगा कि यह बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। कहा जाता है कि MLC के रूप में जब भी किसी का चयन होता है या फिर किसी का नाम पार्टी आगे करती है तो उसमें धन कुबेरों का नाम होता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने यहाँ भी गरीबों को साथ दिया और गरीबों को बिहार के अपर सदन में पहुंचाने का काम किया। मुन्नी देवी को जब पार्टी की तरफ से टिकट का ऐलान हुआ तो उनके ठीक एक दिन पहले लालू यादव से मिलने के लिए वह सुरक्षा गार्ड से भिड़ते हुए दिखी थी, लेकिन जैसे ही टिकट की घोषणा हुई मुन्नी देवी भावुक होकर कहने लगी, ऐसा काम गरीब दबे कुचले समाज के लिए सिर्फ लालू यादव ही कर सकते हैं। तो एक तरह से कहने कि बिहार की सियासत में और अगर हम बिहार की पूरी राजनीतिक परिदृश्य को अगर हम देखेंगे तो वर्तमान की अगर हम स्थिति की बात कर लें तो बिना लालू प्रसाद यादव के बिहार की राजनीति पे आप बात कर ही नहीं सकते हैं। लालू प्रसाद यादव को यूं ही नहीं गरीबों का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आखिरी व्यक्ति और दबे कुचलों की बात कही थी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।